कौशल जी, ये बहन 25 साल से कहते हैं कि इन्हें कभी भी पीरियड नहीं आए थे और 5-5 महीने बाद इंजेक्शन लगता था, उसके बाद हल्का सा दाग ही लगता था। और कौशल जी, मई 2014 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद भी टोटली पीरियड बिल्कुल आए ही नहीं कभी। और जब इन्होंने बेबी के बारे में ट्राई किया तो डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं हुई। जब डॉक्टर के पास गए तो ना तो इनके एग बनते थे और ना ही इन्हें कभी पीरियड आए। और पसल जब हस्बैंड को चेक किया तो उसके शुक्राणु भी स्पर्म्स बहुत कम थे और डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल कभी भी आपके पीरियड नहीं आ सकते। फिर इनके यूट्रस को, इनके अंदर इनर बॉडी को पूरा एक्सरे किया गया तो उसमें आया कि इनकी फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक है। और राइट फिलिपियन ट्यूब का ऑपरेशन हुआ, वो भी खोली एग बनने के लिए। पसल 3 साल लगातार इनके इंजेक्शन लगते रहे और लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया। 19 से 20 डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाया, कहते पंजाब का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। IVF ट्राई किया, फेल हो गया, डॉक्टर ने बोला कोई गारंटी नहीं, आप बेबी अडॉप्ट कर लो। और कहते कि हमने अपने आप को अपने कमरे में, घर में बंद कर लिया, किसी के शादी विवाह में जाना, किसी के घर में जाना, रिश्तेदारों के जाना टोटली बंद कर दिया। लोगों ने हमारा आना बैन कर दिया, वो हमें मनहूस बुलाते थे और कहते थे जोड़े को हमारे घर में कभी नहीं आने देना। और पौसल जी कहते परमेश्वर की दया हुई, इनके पड़ोसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, खामरा चर्च। ये फर्स्ट टाइम आए थे जब 17 साल आपके प्रभु में कंप्लीट हुए, 15 अगस्त 2021 की संडे मीटिंग में। और पौसल जी आपने प्रार्थना की थी स्पेशल उस दिन बेबी के लिए, हम देख सकते हैं छुटकारे की प्रार्थना को। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताया क्या कह रहा है, वो कह रहा है तुम सेलिब्रेट करने जा रहे हो। मैं नहीं जानता ये आमीन किसका छोटा है बड़ा, लेकिन अगर आपका पेट से है, आप अपने बच्चे की लाइफ को सेलिब्रेट करने जा रहे हो, प्रेगनेंसी की गवाही को सेलिब्रेट करने जा रहे हो, हीलिंग टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करने जा रहे हो, इन द नेम ऑफ जीसस। पसल जी उस प्रेयर के बाद, पसल जी पूरे 9 महीने के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुए। और हैरानी की बात ये है कि माइक देना इनको, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो मैं क्या इशारा करूं। आप बताओ जब आप प्रेयर रिसीव करके अगले दिन गए तो आपने चेक किया, क्या किया आपने, आपको कैसे मालूम आप प्रेग्नेंट थे, आपने चेक किया? पापा जी हमने चेक किया तो हम प्रेग्नेंट थे अगले दिन। बेबी दिखाओ तो। और क्या हैरानी की बात क्या थी जो आप बोल रहे थे? असली हैरानी की बात ये है कि आज तक इन्हें कभी पीरियड आए ही नहीं। और बेबी दिखाओ। अपनी स्टोरी भाई को देना, माइक भाई को अपनी स्टोरी बताओ भाई, क्या जब बेबी नहीं हो रहा था तो क्या सोच आती थी, क्या मन में लोग क्या बोलते थे? जैम सी पापा जी बहुत बुरा लगता है, बड़े लोग मैं जिते काम करता फैक्ट्री से उन्होंने, मैं तो मगरों मैरिज हो गए, उन्होंने दो दो बेबी हो गई, तो बहुत अच्छा, जो आपके पीछे से शादी हुई उनके दो बेबी हो। हाँ जी हाँ जी, दो दो। तो सारे कहते तेरे पता नहीं की प्रॉब्लम है, तू अपनी वाइफ नु छड़ दे, तेरे च कमी और च कमी है, तेरे च नहीं कोई कमी हैगी। पर मैं परमेश्वर मानता हाँ, मैं अपनी वाइफ नहीं छड़ना, मैनू परमेश्वर दऊगा दऊगा, चाहे जितों मर्जी जितों भी टाइम हो दऊगा दऊगा मैं परमेश्वर। सुनो सुनो सुनो, अब बताओ जीवन बदला के धर्म बदला, वो उसका स्टेटमेंट सुनो, वो कहता है कि मेरे बाद वाले लोगों के दो दो बच्चे हो गए, जब मुझे बोलते हैं कि वाइफ को छोड़ दे, क्योंकि लोगों के चलता है कि बच्चा नहीं हुआ वाइफ छोड़ दी दूसरी वाइफ, उसने कहा मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। अब जब ऐसे घर बनेंगे जिस घर को यीशु मसीह टूटने से बचाएगा, जिस घर में परमेश्वर वंश देगा, क्या वो विरोधी की बात सुनेंगे? वो भगाएंगे उनको, चल भाग यहां से, तेरे को क्या पता मुझे क्या मिला है, कोई 50,000 देके क्रिश्चियन बना देगा तो क्या ये टेस्टिमनी उसको कहीं मैच करती है 50,000 से? 50 कोई लाख ये दे देना लोग कि 50 लाख ले लो मेरे बच्चा हो जाए, तब भी कोई नहीं कर सकता, और ये फ्री में हुआ है। उसने कहा तू फ्री में लिया, तू फ्री में बांटेगा, आपके बाहर रहने का इंतजाम है फ्री में, खाने का इंतजाम है फ्री में, बाथरूम मैंने आपको फर्स्ट क्लास बना के दिए हैं। हाँ
आओ रहो खाओ पियो चंगे हो जाओ वापिस जाओ यीशु मसीह की महिमा करो। पति पत्नी को माइक देके हालेलुया बुलवाओ जरा जोर से। लाचारियो छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियो लाचारियो छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियो लाचारियो छोड़ जाओ यीशु के नाम में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।